बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, ईटॉप और यूटेस्ट की जानिब से आप सब दोस्तों को अपनी चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। तो दोस्तों, मैं आज अपलोड करने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड मैथमेटिक्स एमसीक्यूज, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी आने वाले एग्ज़ाम में, जो कि सिटी, पीएसटी, डीएम, टीटी, पीटी, एटी, यानी जितनी भी या एनटीएस की एग्ज़ाम हो या ईटेक की एग्ज़ाम हो, ये आपको काफ़ी फ़ायदा दे सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम्स में, या किसी भी बोर्ड से रिलेटेड हो तो ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी फ़ायदा दे सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम में। तो आज मैं इसका पार्ट 6 अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि ये पेपर ऑलरेडी हो चुका है पीटी में, यानी पीटी का पेपर है और ये उसका मैथमेटिक्स पार्ट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट परसेंटेज इज 3% ऑफ 5%। तो इस क्वेश्चन में कहते हैं कि 3% ऑफ 5% का क्या परसेंटेज होगा। तो इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी हल कर चुका हूँ, यहाँ पर ये मौजूद है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन में कहते हैं व्हाट परसेंटेज इज 3% ऑफ 5%। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 3% ऑफ 5% है, तो इसका मतलब ये 3/5 ज़रबे 100/100 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 5 जो है इस 100 के साथ डिवाइड हो, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 1 5 5 20 100। तो यहाँ पर ये बन जाएगा 20/100। यहाँ पर 3 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 60/100। तो परसेंट जो है वो 1/100 के बराबर है, इसलिए इसमें सही आंसर जो है वो है 60%, यानी इसमें सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द अपोजिट ऑफ इंटीजर मंथली 21 इज डैश। यानी इस क्वेश्चन में कहते हैं कि मंथली 21 ये एक इंटीजर है, इसका अपोजिट कौन सा है। तो वो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो इसमें सही आंसर जो है वो है +21, यानी ऑप्शन बी इसमें सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यानी मॉडुलस मंथली 63 डिवाइडेड बाई मंथली 7 इज इक्वल टू ब्लैंक। तो इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी हल कर चुका हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर मंथली 63 मॉडुलस तकसीमी मंथली 7 इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पर ये मॉडुलस से जो वैल्यू हम निकालते हैं तो ये डायरेक्टली पॉजिटिव हो जाएगी, और यहाँ पर ये जो मंथली साइन है ये 7 के साथ मौजूद है तो यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद होगा। तो मंथली 63 डिवाइडेड बाई 7, तो यहाँ पर 7 1 7 7 9 63, तो यहाँ पर मंथली इसके साथ आ जाएगा मंथली 9। तो इसका सही आंसर जो है वो है मंथली 9, यानी इसमें सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट। यानी नीचे दी गई फ्रैक्शन में सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा होता है। तो इस क्वेश्चन को भी मैं ऑलरेडी हल कर चुका हूं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन मौजूद है। यहाँ पर इस क्वेश्चन अगर आप देखिए 14/15, इससे आंसर आता है 0.9, में इसको ऑलरेडी मैंने हल किया है। और बी में जो 15/19 है उससे आता है 0.78, और 16/21 से आता है 0.76, और 17/23 से आता है 0.73। आप इस पर इसमें देखें कि इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो वो है ऑप्शन डी, यानी 0.73, इसमें सबसे जो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है वो इसमें यही है। तो इसमें सही आंसर जो है वो है 17/23, इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यानी 0/2 + 2 इज इक्वल टू व्हाट। अगर आप देखिए, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया आप लोगों को, तो प्यारे दोस्तों, अगर 0/0 समथिंग द आंसर शुड बी 0, ये आपने याद रखना है। जब 0 को हम किसी हिस्से पर तकसीम करते हैं तो उससे रिजल्ट 0 आएगा। तो यहाँ पर ये 0 + 2, तो इसका रिजल्ट 2 आएगा, यानी मतलब इसका ये कि इसमें ऑप्शन
सही है। आप देख सकते हैं एक दूसरी मेथड के जरिए भी मैंने इसको हल किया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 यानी 0 / 2 + 2 इज इक्वल टू व्हाट, तो यहाँ पर आपने एलसीएम लेना है। अगर यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो इस 2 के नीचे 1 है और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ इसका एलसीएम 2 ही आएगा। जब 2 को 2 पर डिवाइड किया जाए तो आंसर 1 आएगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा। तो इसके नीचे 1 है, 1 और 2 को डिवाइड किया जाए तो इससे रिजल्ट 2 आएगा। टू 2 जर 4 यानी 0 + 4 यानी 4 / 2, तो यहाँ पर 2 1 जर 2, 2 2 जर 4, तो इससे रिजल्ट 2 ही आएगा। तो इसमें सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 2² + 3³ इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ब्लैंक। सॉरी, यहाँ पर ये 3² है, ये यहाँ पर 3³ नहीं है, यहाँ पर 3² है। अगर ये 3³ होता तो यहाँ से इस ऑप्शन में कोई और आंसर होता, तो यहाँ पर मिस्टेक हुई है कंपोजिंग में। ये 3² है, आपने इसको दोबारा लिखना है 3² यानी 2² से रिजल्ट 4 आएगा और 3² से रिजल्ट 9 आएगा। 9 × 4 = 36, तो इसमें सही आंसर जो है वो है 36, इसमें सही आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, एफ टू सेट्स ए एंड बी आर गिवन। एक ए सेट और दूसरा बी सेट यानी ये 2 सेट हमें दिए गए हैं। देन द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए आर इन बी आर इन बोथ इज कॉल्ड ब्लैंक। तो ये सेट ए की एलिमेंट या सेट बी की एलिमेंट उसी ही सेट में सेट रिजल्टिंग सेट है, उस दोनों में ए और बी की वैल्यूज मौजूद हैं, तो इसको क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी हल कर चुका हूं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एफ टू सेट्स ए एंड बी आर गिवन, देन द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए आर इन बी आर इन बोथ इज कॉल्ड ब्लैंक। तो यहाँ पर ये ए 1 2 3 और बी सेट 2 के बराबर है, तो यहाँ पर इसका रिजल्ट 1 2 3 आएगा। अगर आप देखें ए की भी कंप्लीट एलिमेंट इसमें मौजूद है और टू की बी का जो एलिमेंट वो भी इसमें मौजूद है, तो इसका हम यूनियन कहते हैं। तो इसमें सही आंसर जो है वो है यूनियन ऑफ ए एंड बी, इसमें सही आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स डज नॉट लाई बिटवीन 4/5 एंड 7/13, यानी 4/5 और 7/13 के दरमियान कौन सा हिंसा लाई नहीं करता। तो वो इसको भी मैं ऑलरेडी हल कर चुका हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर 4/5 से 0.8 आंसर आता है, 7/13 से 0.5 आंसर आता है, और यहाँ पर दिया गया है, और आंसर जो है यहाँ पर मैंने इसके आंसर भी हल की है, 1/2 से 0.5 और 3/4 से 0.75 और सी से 0.4 और डी से 0.71। तो यहाँ पर 0.5 से 0.8 तक हिंसे इसमें मौजूद है, लेकिन 4 का जो हिंसा है, 0.4 का हिंसा जो है ये इसमें मौजूद नहीं है। तो इसमें सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी 2/5, इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, द टोटल एज ऑफ ए एंड बी इज 12 ईयर्स। ए और बी का जो टोटल एज होता है, उम्र होता है, वो 12 साल है, और यही 12 साल मोर देन ज़्यादा है देन द टोटल एज ऑफ बी एंड सी। बी एंड सी, एंड सी इज हाउ मेनी ईयर्स यंगर देन ए, और सी का जो उम्र है वो कितनी दफा या मरतबा वो जवान है ऐसे, यानी हाउ मेनी ईयर्स है यानी कितने साल वो ऐसे जवान है। तो इसको भी मैं ऑलरेडी हल कर चुका हूँ, आप स्क्रीन पर इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। एट द एज ऑफ ए बी सी बी ए बी सी रिस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए प्लस बी इज इक्वल टू 12 + b + c, यानी इस क्वेश्चन के मुताबिक ये जुमला इस तरह आ जाएगा। तो यहाँ पर ये b को हम यहाँ पर ले आएंगे, तो यहाँ पर b और b जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर a रह जाएगा, a इज इक्वल टू 12 + c से रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर सी हम इस 12 को हम इस तरफ ले आएंगे, तो ये बन जाएगा m·p·12 इज इक्वल टू सी। तो अगर यहाँ पर देखें तो ए जो है यानी सी से, यानी फ्रॉम हियर यू कैन क्लियरली सी ए इज एज इज 12 ईयर्स मोर देन सी, तो ये 12 साल जो है उससे ज़्यादा है, यानी हैंस सी इज 12 ईयर्स यंगर देन ए, यानी सी जो है वो 12 साल ऐसे जवान है। तो इसमें सही आंसर जो है वो है 12 ईयर्स, ये
चूंकि टेक्निकल क्वेश्चन है, आप खुद भी इसे देखिए, इस तरह जितनी भी रिलेटेड क्वेश्चन है आप उसको देखें ताकि आने वाले एग्जाम में आप कामयाबी हासिल कर सको। नंबर 10, अ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल 5 इफ द लास्ट डिजिट इज आइदर 0 और 5। तो इसमें सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए। इसमें से ये अगर किसी हिंसों में आखिरी हिंसा 0 हो या 5 हो तो वो 5 पर मुकम्मल तौर पर तकसीम होता है। तो इसमें सही आंसर यही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। शुक्रिया, वसलाम।